तो मैं आपको आज शीर्षासन करने की जो सरल विधि है उसको दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम अपने जो ये इस तरह से हम घुटने वाली स्थिति में ऐसे बैठ जाएंगे और ये घुटने हमने अपनी जमीन से स्पर्श कर दिए हैं और ये जो मेरे हाथ हैं ये मैंने आपकी जो जो मेरे आसन लगा रखा था कि मेरी सीट पे कोई इससे कोई नीचे जमीन से जो है कोई दर्द सा ना हो और इसलिए आसन लगाना भी बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हम इसको अपने सिर को धीरे धीरे यहाँ पे इस पर लगाते हैं जो हमने गद्दी लगा रखी है नीचे और हाथों को एक स्टूल नुमा बनाते हैं। यहाँ पे स्टूल देखा होगा उसमें तीन लेग्स होती हैं, उस तरह से हमने अपने हाथों को इस तरह बैलेंस बनाना है कि स्टूल भी एक टांग पर खड़ा नहीं होता है। अब इस तरह से धीरे से हम अपने पैरों को ऐसे उछालते हैं, ऐसे ऊपर की उछालते हैं ऐसे करके। ये उछाले मैंने दोनों पैर एक साथ चिपका रखे हैं और ये पोजीशन हमारी जो है ये हम अगर कर लिया तो समझ लो हम इस पर कामयाब हो गए। फिर हमने इस पर स्थिति में अपने को रोके रखना है और धीरे 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 करके हमने इस तरह से अपने पैरों को ऊपर की ओर उछालना है और देखिए ये पूर्ण स्थिति आपकी शीर्षासन की बन गई। इसमें हमें बहुत सारे लाभ होते हैं इस शीर्षासन को करने से, जिन की याददाश्त स्मरण शक्ति को बढ़ाने वाला, ब्लड सर्कुलेशन को शरीर में ठीक रखने वाला ये पूर्ण आसन है। आप देख रहे होंगे मैं बिल्कुल एकदम सीधा स्ट्रेट खड़ा हूं और इस तरह से ये हमारी पूर्ण स्थिति हो गई। इस तरह से हम बाहर वापस आना है तो हम इस तरह से अपने पैरों को ऐसे मोड़ते और ऐसे घुटनों को सबसे पहले जैसे जो ये स्थिति थी इसमें आ गए और धीरे धीरे करके हम अपने शरीर को धीरे से ऊपर उठाते हैं। तो आपने देखा ये शीर्षासन पूर्ण हो गया और इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको इससे बहुत सारे फायदे, आसनों का राजा कहा जाता है शीर्षासन। मेरा ये शीर्षासन करने का जो अपना तरीका है, अगर ये आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हम आपके सामने इस तरह के नए वीडियोस और भी मैं आपको दे सकूं आपकी और हमारे